जी आकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाजार में क्या अब कुछ स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब लाइनें कम हैं और जो उथल पुथल की हम बात कर रहे थे ट्रेड में कॉमर्स में वो अब कम है, क्या स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में? और दूसरा सवाल आपसे कि संसद में एक सार्थक चर्चा की उम्मीद थी लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि पीएम ही आकर इस पर बयान दे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मेरे हिसाब से बाजार में अभी तो स्टेबिलिटी आई नहीं है जी। क्योंकि करेंसी का जो डेफिसिट है उसकी वजह से ट्रेडर्स जो हैं उनके पास कस्टमर नहीं है, ट्रेडर्स और होलसेलर्स के बीच में कैश की ट्रांजेक्शन होती है, फिर हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी भाई हैं, छोटे छोटे कारखानेदार हैं, पीपल हु एम्प्लॉय 60 people 80 people, दे हैव टू गिव सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अभी जो है कैश डेफिसिट की वजह से मार्केट में रिटेल में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे जो सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, मुझे जो बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि अल्टीमेटली एक एमनेस्टी स्कीम जो है दैट्स ऑन द कार्ड्स, जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभी प्लान की जा रही है, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देगी कि ठीक है आपने आईडीएस में पीछे डिक्लेयर नहीं किया लेकिन एक मौका आपको और दिया जा रहा है। तो जो लोग आज की तारीख में जिन्होंने पीछे एक्टिविटी तो इलीगल की थी कि काला धन इकट्ठा किया हुआ था, आईडीएस में भी डिक्लेयर नहीं किया, आज फंसा हुआ महसूस कर रहे थे कि हमारे पास कोई एग्जिट रूट नहीं है, इस पैसे का हम करें तो क्या करें, बैंक में जमा नहीं कर सकते थे, तो उनको एक रूट मिलने की अब संभावना हो गई है जी। ये लोगों को साइकोलॉजिकली सूदिंग यानी दिलों को जो है उनके राहत पहुंचाएगी, चाहे उन्होंने पीछे गलत काम किया है लेकिन आज सरकार उनको राहत देने की प्लान कर रही है। बिल्कुल, तो और ये बाजार में आने वाले समय में देखा जाए इसे। काफी हद तक राहत का काम करेगी जी। जी बिल्कुल जी, तो इसलिए जो है, और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसको बड़े अच्छे से तरीके से प्लान किया गया है, ये जो पैसा आएगा, जो ब्लैक मनी कहीं पड़ा हुआ था तिजोरियों में, जो नेशनल कहीं मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में कहीं काम नहीं आ रहा था, वो पैसा मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ जाएगा। और जैसा प्लान किया जा रहा है, जैसे इसका नाम है, वो हमारे जो बीपीएल भाई बहन है उनके लिए शेल्टर, उनके लिए सैनिटेशन, उसमें इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको कोई ऑपोजिशन भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है ये एक बहुत बड़ी चीज है, धीरे धीरे इसके जो है रेलिवेंस लोग समझेंगे। अभी लोगों को उसका रेलिवेंस जो है समझ नहीं आ रहा, ये काफी हद तक जो है जो लोगों की बेचैनी घबराहट थी उसको दूर कर देगी। और आने वाले समय में ये पैसा अगर लोग इसमें अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि अब लोगों को करना चाहिए, मैं तो लोगों को सलाह दूंगा कि अभी भी अगर काला धन पड़ा है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसमें आए, तो सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी का डेफिसिट जल्दी से चर्चा उस तरह जल्दी से सुरेंद्र जी आप बताना चाहते हैं, लॉस होता है वो पूरा हो जाएगा और देश हमारा जो है वेलफेयर स्कीमों के लिए हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे गरीब भाई बहन जिनके लिए सारे नेता बात करते हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा आ जाएगा कि हमारी इकोनॉमी एक सरप्लस इकोनॉमी में तब्दील हो जाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया तस्वीर, बहुत ही पॉजिटिव नोट पर नेशन बिल्डिंग के अंदर भी जो है जी इसे हम लेते हैं। जो आप कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, इससे फायदा होगा जो तस्वीर आकाश जिंदल बता रहे हैं इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल के जरिए। मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव चीज होगी और ये एक राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। आज की तारीख में जो लोग हड़बड़ाए हुए थे, चाहे इलीगल काम किया था, उनको एक एग्जिट रूट मिला, लेकिन हाँ